हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है वीडियो की। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। ये फ्रेंड आपको ऑप्शन देखना पड़ता है फ़ोन में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से आपको अपने फ़ोन में, जैसे कि आप अपने फ़ोन में डायलर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सेटिंग पे ओपन कर लेना। सेटिंग को ओपन करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में कलर LDN स्पेन। इस ऑप्शन को आप ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में सी कलर LDN स्पेन। इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद में आपको अपने फ़ोन में जिसकी इस पर आपको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद में आपके फ़ोन में आप ऐसे अपने फ़ोन में इसको ऑन कर लेंगे तो आपको ट्रू कॉल काम करेगा। यहाँ से आपको कॉल ब्लॉक पे क्लिक कर लेना और यहाँ से अनोन नंबर की ऑप्शन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में इस प्रकार अपने फ़ोन में अनोन नंबर की कॉल ब्लॉक करेंगे। यहाँ से आपको ऐड नंबर पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फ़ोन नंबर पे क्लिक कर लेना और यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ से अपने फ़ोन में कॉल ब्लॉक करेंगे, यहाँ से आपको अनब्लॉक क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में कॉल ब्लॉक इनेबल करेंगे। अनब्लॉक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक हो जाना। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में कॉलिंग। आपको कॉलिंग पे क्लिक कर लेना। कॉलिंग पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में, यहाँ से आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में आंसर एट कॉल्स। आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ऑटो आंसर कॉल, तो इसको ऑन कर लेना। जिसके आपके फ़ोन में कॉल आएगी तो आप अपने फ़ोन को जब कॉल ऑन करेंगे तो आपकी कॉल आंसर देगी। यहाँ से आपको ऑन कर लेना है। यहाँ से आपको क्लिक करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे 30 सेकंड 15 सेकंड जो भी रखना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको प्लीज तो ऑन कर लेंगे। यहाँ से आपको बेबरन बेन अदर आंसरिंग एंड कॉल, जिसके आप यहाँ से ऑन कर लेंगे तो आपको फ़ोन में कॉल एंड हुई तो आपको साउंड की आवाज़ आएगी। तो यहाँ से आपको बैक हो लेना। बैक होने के बाद भी यहाँ से आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में एडवांस सेटिंग। यहाँ से आपको क्लिक कर लेना। यहाँ से आपको कॉल फॉरवर्ड करना है तो आप यहाँ से रीडिंग सेटिंग के बाद में कॉल फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ से आप कॉल बेयरिंग इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉल बेयरिंग करेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में एडिशनल सेटिंग। आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना और आप यहाँ से अपने फ़ोन में एडिंग सेटिंग पे क्लिक करके कॉल वेटिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ से आपको बैक हो जाना। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन बैक हो जाना। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग। आपको अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करना है, जिसके कि नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट। जिसके आपको अपने फ़ोन में कॉन्टेक्ट नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करना है तो इसको ऑन करके ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। और आप अपने फ़ोन में किसी सिलेक्ट नंबर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से नंबर सेलेक्ट करके ऑन कर लेंगे और आप अपने फ़ोन में कॉन्टेक्ट नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करेंगे। यहाँ से आपको क्लिक कर लेना। इनेबल पे कर देंगे तो आपको फ़ोन में इनेबल है के लिए कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर लेना। यहाँ से आपको 7 डे के लिए करना, 1 मंथ के लिए जो भी रखना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बैक हो लेना। बैक होने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में डिस्प्ले और यहाँ से आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में स्टोर बाय पर क्लिक कर लेना। स्टोर बाय पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपने फ़ोन में फर्स्ट नेम पे ऐड करना है तो फर्स्ट नेम पे ऐड कर सकते हैं। लास्ट नेम करना है तो आपको लास्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार अपने फ़ोन में जो आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर है उसको आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करें। यहाँ से आपको नेम फॉर्मेट पर क्लिक करके आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर अपने फ़ोन में फर्स्ट नेम से ऐड करना चाहते हैं लास्ट में सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको क्यूट पे क्लिक कर लेना है। क्यूट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से कोई मैसेज आप सिलेक्ट करके और आप यहाँ से मैसेज सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ से अपने फ़ोन में जितकी आपके फ़ोन में कॉल आएगी तो आपको फ़ोन में कॉल आएगी और आप अपने फ़ोन में जब कॉल कट करेंगे तो सामने वाले के पास ये मैसेज ऐड हो जाएगा। यहाँ से आपको बैक हो लेना है। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको साउंड पर क्लिक कर लेना और यहाँ से आपको अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज करना है तो आप यहाँ से अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने फ़ोन में रिंगटोन यहाँ से आपको रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने में आता है फोन में नोटिफिकेशन साउंड। आप यहाँ से नोटिफिकेशन साउंड ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने में आता है फोन में हैव टू सेट नोटिस। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना और यहाँ से आपको डायल पर नोटिस साउंड, स्क्रीन लॉक साउंड, स्क्रीन शॉट, डायल पर साउंड, टच साउंड। तो यहाँ से अपने फोन में कोई भी साउंड ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक लेना। बैक होने के बाद में एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपने फ़ोन में वॉल्यूम बटन, यहाँ से आपको वॉल्यूम बटन पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको बैक हो जाना। बैक होने के बाद में इस प्रकार अपने फ़ोन में ऑप्शन देखने में आता है। यहाँ से आपको वॉइस मेल, आपको अपने फ़ोन में जिस नंबर पर वॉइस मेल ऐड करना है तो आप यहाँ से वॉइस मेल ऐड कर सकते हैं।
नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको नंबर्स पे क्लिक करके किसी नंबर पे जिस नंबर पे आपको वॉइस में ऐड करना है वो नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपने फ़ोन में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिलता है फ़ोन में फ्लिप टू साइलेंट, यहाँ से आपको फ्लिप टू साइलेंट के ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद में स्पीकर आप अपने फ़ोन को ऑप्शन को ऑन कर देंगे, जैसे कि आपको फ़ोन में कॉल आएगी और अपने फ़ोन में जब कॉल अपने फ़ोन को फ्लिप करेंगे तो आपकी कॉल ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगी। तो स्पीकर आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग इनेबल करेंगे। तो अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस भी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।